अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम कज़न्स के साथ जा रहे हैं खानपुर डैम, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। तो फिर अब वहाँ पे जाके हम लोग इंशाल्लाह चेक करेंगे और साथ साथ आपको भी बताएंगे कि हमें वो जगह कैसी लगी और वहाँ पे किस किस टाइप के एडवेंचर हैं। खानपुर डैम जाने का रास्ता भी काफ़ी ख़ूबसूरत है, जैसा कि आप ये व्यू देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है। Look at this, that's a very beautiful place. Wow. ये जी खानपुर डैम आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। खानपुर डैम तो हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं रिज़ॉर्ट की तरफ, जिनके थ्रू हम लोगों ने एडवेंचर्स करने हैं मुख्तलिफ किस्म के। अभी हम ज़ुबैर भाई और शानी भाई के साथ रिज़ॉर्ट पे पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में जाएंगे डैम की तरफ और एडवेंचर करेंगे। शानी भाई आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले भी एक दफ़ा आया था, लेकिन इस बार मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। इस दफ़ा हमारे साथ मेहमान भी है, हमारे हानिया तानिया। हानिया आप क्या कहोगी, आर यू एक्साइटेड? आई एम एक्साइटेड। आई एम गोइंग ऑन अ पैराशूट एंड आई एम इन पाकिस्तान नॉट इंग्लैंड एंड डू यू वांट टू कम टू पाकिस्तान इफ यू वांट टू। बाय बाय। चलो जी अब चलें पैरा सेलिंग के लिए। Tanya is getting ready. Hey. Wait. ये से बात कर। सुबह देर हो जाती है। ये बात कर। Going on that. I'm let's. No, it's not the one. Yes, yes. That was no good. I'm going on the boat. अभी हम उस स्पॉट पर जा रहे हैं जहाँ पर से पैरा सेलिंग की जाती है। I wish I had a boat right now so I could take pictures. Are you enjoying? Yes, and then a little bit of water on me. अभी हानिया और तानिया पैरा सेलिंग के लिए रेडी हो रही हैं, फिर उसके बाद पैरा सेलिंग करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अप योर हैंड्स लाइक दिस, गो। या अप योर हैंड, अप योर हैंड। पाकिस्तान। अल्लाह पुत्र, डू नॉट टच दिस व्हेन दिस इज अ ओके। लुक, आई एम गोना फ्लाई इन द एयर लाइक दैट अ गर्ल एंड द टीचर and I'm gonna be he's about to do it and not touch anything. Look, he's doing it. This will be my turn. अभी मैं और हानिया पैरा सेलिंग करने लगे हैं। बस शुरू में थोड़ा सा रन करना पड़ता है, फिर उसके बाद खुद ही बंदा फ्लाई करता है। अभी कैमरा लेकर जाना पॉसिबल नहीं था, वरना मैं आपको वहाँ से भी व्यू दिखाता। बहुत ही खूबसूरत व्यू था।
और अगर किसी को लगता हो कि मुझे ऊपर जाके डर लगेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर जाके बहुत ही मज़ा आता है, ऐसी खौफ वाली कोई बात नहीं, बंदा एंजॉय करता है। पैरासेलिंग से पहले ही गाइड किया जाता है कि नीचे उतरते वक्त ये राइट साइड वाली रोप्स को नीचे की तरफ खींचना है, जैसा कि अभी मैं खींच रहा हूँ, जिसकी मदद से लैंडिंग में आसानी होती है और सेफ लैंडिंग होती है। Sania, have you enjoyed? Yes. Okay, that was exciting. Yes. Yes, and I just saw a wall of sleep all the way over there, and I was gonna, and I'm gonna go. Yes. अभी उसके बाद जुबैर भाई की टर्न है, इसी तरह अभी उनको भी गाइड किया जा रहा है कि आपने वापसी पर क्या करना है, कौन सी रोप को नीचे खींचना है। ये जो अभी आप बोर्ड देख रहे हैं, इसी के साथ रस्सी बंधी होती है जो कि खींच रही होती है, और इसी की मदद से पैरासेलिंग होती है। जुबैर भाई भी ये लैंड करने वाले हैं, अब ये लैंड करते हैं तो इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जुबैर भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मजा आया आपको? मजा आया? आप शानी भाई की बारी है और अब वो रेडी हो रहे हैं पैरासेलिंग के लिए। अभी शानी भाई भी लैंड करेंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। शानी भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जबरदस्त। हानिया तानिया को बहुत दिल था हॉर्स राइडिंग का, तो अब वो हॉर्स राइडिंग कर रही है। हानिया, मज़ा आया? पैरा सेलिंग करने के बाद अब हम दोबारा जा रहे हैं सोफा राइडिंग की तरफ। वो नहीं दिखा, इसको बड़ा भी गया मेरे को। चलो चलो चलो।
तानिया पहले सोफा राइडिंग सोफा राइडिंग करने के बाद ये काफ़ी खुश लग रही है। पैरा सेलिंग और सोफ़ा राइडिंग के बाद अभी हम लोग आए हैं खानपुर रिवर की तरफ, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह हम लोग खाना पकाएंगे। और खाना पकाने के लिए हम लोग सिर्फ ज़रूरत का सामान लेकर गए हैं, बाकी लकड़ियाँ वगैरह वहीं से इकट्ठी की। खाना भी अब रेडी हो चुका है, जो कि दिखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अब उसी रिवर में हानिया तानिया को बहुत दिल था स्विमिंग का, तो अब वो यहाँ स्विमिंग कर रही है।